भारतीय क्रिकेट जगत ने मंगलवार को नवनियुक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को शुभकामनाएं दी। जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अगले अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। शाह, जो अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई सचिव और जनवरी 2021 से एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, 1 दिसंबर 2024 को यह प्रतिष्ठित पद संभालेंगे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर जय शाह को उनकी नियुक्ति के बाद बधाई दी। पांड्या ने एक्स पर लिखा, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष चुने जाने पर जय शाह भाई को बधाई। आपको क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार है। आपका विजन और ड्राइव आईसीसी की मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे बीसीसीआई के साथ हुआ। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी आईसीसी अध्यक्ष चुने जाने के बाद शाह को बधाई दी। शास्त्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जय शाह को आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई, सिर्फ 35 साल की उम्र में अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष। बीसीसीआई चलाने का उनका अनुभव निस्संदेह उनके लिए बहुत काम आएगा। क्रिकेट समुदाय निश्चिंत हो सकता है कि जय विश्व क्रिकेट और आईसीसी को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और उन्हें दूसरे स्तर पर ले जाने का अथक प्रयास करेंगे। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में जय शाह की नियुक्ति के बाद उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। हरभजन ने एक्स पर पोस्ट किया, जय शाह जी को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि आईसीसी को भारतीय क्रिकेट को संभालने के आपके अनुभव से लाभ मिलेगा। आपका नेतृत्व विश्व क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने नियुक्ति के बाद जय शाह को ऑल द बेस्ट कहा। गिल ने एक्स पर लिखा, आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त होने पर बधाई, ऑल द बेस्ट जय भाई। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी जय शाह को बधाई दी। गंभीर ने एक्स पर लिखा, बहुत बहुत बधाई जय शाह भाई। मुझे पता है कि आपके असाधारण नेतृत्व में विश्व क्रिकेट काफी आगे बढ़ेगा। आईसीसी द्वारा जारी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले द्वारा तीसरा कार्यकाल न लेने का फैसला करने के बाद शाह चेयरमैन पद के लिए एकमात्र नामांकित व्यक्ति थे। अपने चुनाव के बाद शाह ने क्रिकेट की वैश्विक पहुंच और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए अपनी मंशा व्यक्त की, विशेष रूप से एलए 2028 ओलंपिक में इसके आगामी समावेश के साथ एक ऐसा क्षण जिसे वे खेल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। शाह ने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामांकन से अभिभूत हूँ। मैं क्रिकेट को और अधिक वैश्विक बनाने के लिए आईसीसी टीम और हमारे सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ कई प्रारूपों के सहअस्तित्व को संतुलित करना, उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना और हमारे प्रमुख आयोजनों को नए वैश्विक बाजारों में पेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य क्रिकेट को पहले से कहीं अधिक समावेशी और लोकप्रिय बनाना है। उन्होंने कहा, हम सीखे गए मूल्यवान सबक पर काम करेंगे। हमें दुनिया भर में क्रिकेट के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए नई सोच और नवाचार को भी अपनाना चाहिए। एलए 2028 ओलंपिक में हमारे खेल को शामिल करना क्रिकेट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है और मुझे विश्वास है कि यह खेल को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाएगा। बता दें कि जय शाह आईसीसी का नेतृत्व करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। वह जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर जैसे भारतीयों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अतीत में आईसीसी का नेतृत्व किया है।